Hello students, myself Dr. Suman, assistant professor, government law college, अजमेर। आज हम लोग यहाँ पे LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 21 कंटिंजेंट इंटरेस्ट विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट निहित हित को समझा, उसी से संबंधित सेक्शन 21 समाश्रित हित निहित समाश्रित हित कंटिजेंट इंटरेस्ट टॉपिक को हम आज यहाँ समझें। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए specified uncertain event or in a specified uncertain event shall not happen, such person thereby acquires a contingent interest in the property. Such interest becomes a vested interest in the former case on the happening of the event in the latter when the happening of the event becomes impossible. जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट घटित होने पर ही अथवा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होने के लिए श्रेष्ठ किया गया हो, वहां ऐसा व्यक्ति तदत द्वारा उस संपत्ति में समाश्रित हित अर्जित करता है। ऐसा हित पूर्व कथित दशा में उस घटना के घटित होने पर और पश्चात कथित दशा में उस घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर निहित हित हो जाता है, अर्थात समाश्रित हित निहित हित का ही फ्यूचर ट्रांसफर है। कंटिजेंट इंटरेस्ट में दिया गया हित मिल भी सकता है और निसफल भी हो सकता है। समाश्रित हित में दोनों संभावनाएं इक्वल इक्वल हैं कि संपत्ति में हित मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हित मिलना किसी ऐसी घटना पर निर्भर है जो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो। समाश्रित हित अंतरण योग्य है। समाश्रित हित में एक्सेप्शंस वेयर अंडर ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट therein upon attaining a particular age and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age or directs the income or so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit. Such interest is not contingent. Samashrit hit ka ek apvad hai, exception hai कि जहां की संपत्ति अंतरण के अधीन कोई व्यक्ति उस संपत्ति में किसी हित का हकदार कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर हो जाता है और अंतरक उसको वह आय भी आत्यंतिकता दे देता है जो उसके वह आयु प्राप्त करने से पहले ऐसे हित से उद्भूत हो अराइज हो, यह निर्देश देता है कि वह आय या उसमें से उतनी जितनी आवश्यक हो उसके फायदे के लिए उपयोजित की जाए, वहां ऐसा हित समाश्रित हित नहीं होगा। अर्थात कि निश्चित आयु प्राप्त करने पे उसको वह हित मिलना है, बट जितनी आवश्यक हो उसके फायदे के लिए उपयोजित की जाए तो फिर वह समाश्रित हित नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट। समाश्रित हित होने के लिए संपत्ति अंतरण से
उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के हित में ऐसा हित सृजित हो जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर या ना घटित होने पर प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया गया हो, तो ऐसा हित समाश्रित हित कहलाता है। अर्थात प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, संपत्ति अंतरण की जाएगी, घटना जो है वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होगी, विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना होगी। उस विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के अनिश्चित है, यानी कि वो निश्चित ही नहीं है कि घटना होगी या नहीं होगी, ऑन हैपनिंग की घटना के घटित होने पे या फिर नहीं घटित होने पर, तो फिर ऐसा हित जो है समाश्रित हित कहलाता है। पूर्ववर्ती अनिश्चित घटना आश्रित हित किसी पूर्ववर्ती शर्त जिसका घटित होना अनिश्चित हो, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट पर अपनी सर्जन व परिवर्तन पर निर्भर करता है। अर्थात उस घटना के घटित होने पर निर्भर करता है जो खुद ही अनिश्चित है, जिसका खुद भी कोई घटना के घटित होने के बारे में सर्टेनिटी नहीं है। यदि पूर्ववर्ती शर्त किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की शर्त हो, तो आश्रित अंतरण उस विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने के बाद ही प्रभावी माना जाएगा। अर्थात जब शर्त में ये लिखा हुआ है, कंडीशन है कि ये घटना घटित होगी ही, तो उस घटना पर हित डिपेंड है, आश्रित है, तो वह घटना घटित होने पर अंतरण प्रभावी माना जाएगा। या फिर जब पूर्ववर्ती घटना का पूरा होना संभव न रह गया हो, तो शर्त शून्य हो, तो ऐसे आश्रित हित को कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहा गया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए व्यक्ति जीवन भर के लिए किसी को संपत्ति देता है, उसके बाद उसके अडॉप्टेड किए गए बच्चे को देता है, यदि मान लीजिए वह महिला बिना अडॉप्शन के किसी बच्चे को अडॉप्ट किए बिना अगर मर जाती है, तो वह उसके बच्चे को संपत्ति मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि वह तो अडॉप्शन से पहले ही मर गई। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि संपत्ति अंतरण वेस्टेड इंटरेस्ट थी या कंटिंजेंट इंटरेस्ट। यहाँ इसे न्यायालय ने कंटिंजेंट इंटरेस्ट माना, क्योंकि घटना अनिश्चित थी। आवश्यक नहीं है कि महिला बच्चे को अडॉप्ट करे, अर्थात अनिश्चित घटना जहां होगी वहां इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। टाइप्स, समाश्रित हित को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव कंटिंजेंट इंटरेस्ट टू टेक इफेक्ट ऑन द ऑन हैपनिंग ऑफ, एंड सेकंड इज नेगेटिव कंटिंजेंट इंटरेस्ट, इवेंट शैल नॉट हैपन। सकारात्मक समाश्रित हित, ऐसी शर्त में घटना द्वारा कुछ किया जाना सकारात्मक है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना मकान जीवन भर के लिए देता है, उसके बाद वह मकान दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर दिया गया कि अगर वह एग्जाम में पास हुआ था अपनी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करें, पूर्ववर्ती शर्त परीक्षा में शर्त जो है वह पूर्णतः आश्रित है, इसलिए बैक बी को दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हित यहाँ पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। प्रथम व्यक्ति के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट है यही शर्त। यह शर्त उसके परीक्षा पास करने पर आधारित है, अर्थात पॉजिटिव सकारात्मक समाश्रित हित ऐसी शर्त को कहते हैं। नकारात्मक समाश्रित हित, ए एक भूखंड बी को इस शर्त पे देता है कि वह यह चीज ना करे, या अगले 3 वर्ष तक या 2 वर्ष तक वह ये काम ना करे। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को कोई चीज करने से रोकते हैं, तो नेगेटिव कंटिंजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर वह व्यक्ति उसने अवधि तक वह कार्य नहीं करता है, तो यह
सब पूर्ण कर ली मान ली जाएगी और इसे नकारात्मक समाश्रित हित माना जाएगा। जब किसी चीज को करने के लिए कहा जाता है और वह घटना होती है पॉजिटिव एस्पेक्ट में है तो पॉजिटिव कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा, सकारात्मक समाश्रित हित। और अगर उस किसी चीज को करने से रोका जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाए कि तुम शादी नहीं करो तो तुम्हें यह हित प्राप्त होगा, इस संपत्ति में यह हित प्राप्त होगा, किसी चीज को रोकना नेगेटिव कंटिंजेंट इंटरेस्ट में आएगा। इवन इवेंट सेल नॉट हैपन कि यह घटना नहीं होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम पॉजिटिव शर्त और नेगेटिव शर्त के आधार पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट को सकारात्मक समाश्रित हित और नकारात्मक समाश्रित हित में बांटते हैं। नेचर ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट, समाश्रित हित की प्रकृति। कोई भी हित समाश्रित तब होगा जबकि वह घटना जिसके घटित होने पर वह हित मिलना है घट सकती है और नहीं भी घट सकती है, दोनों ही संभावनाएं बराबर हैं। अर्थात समाश्रित हित में संपत्ति मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, दोनों की संभावनाएं इक्वल इक्वल हैं। घटना अनिश्चित है अर्थात फ्यूचर में संपत्ति का अंतरण या संपत्ति में हित मिलना है, यह किसी शर्त पर निर्भर करता है, ऐसी शर्त समाश्रित हित कहलाती है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल नॉट हेरिटेबल। समाश्रित हित जो है वह अंतरणीय संपत्ति है बट उत्तराधिकार में मिलने योग्य नहीं है। निहित हित में देखा था, हमने देखा कि वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल भी था और हेरिटेबल भी था, बट समाश्रित हित सिर्फ और सिर्फ अंतरणीय है, उत्तराधिकार में मिलने योग्य नहीं है। कंडीशन प्रीसिडेंट, पूर्ववर्ती शर्त, समाश्रित हित का स्वतंत्र अंतरण संभव नहीं है। जब किसी शर्त का पालन कर दिया जाता है तभी हित या संपत्ति में हित मिलता है, अर्थात पूर्ववर्ती शर्त के अनुपालन पर यह डिपेंड करता है। पूर्ववर्ती शर्त यहां पर आवश्यक है पूर्ण किया जाना। स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित घटना का होना, पूर्ववर्ती शर्त का संबंध विनिर्दिष्ट घटना से होना चाहिए जो स्वभावतः अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो। निश्चित घटना पर आश्रित हित निहित होता है और अनिश्चित घटना पर आश्रित हित समाश्रित हित कहलाता है। अनिश्चित घटना ऐसी घटना को कहते हैं जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो, अर्थात संपत्ति मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन लगाई जाती है कि तुम्हें संपत्ति में हिस्सा हित तब मिलेगा जब तुम इतने वर्ष की आयु पूर्ण कर लें, अर्थात यह घटना निश्चित है या अनिश्चित है यह कहा जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है उसकी डेथ पहले हो जाए या बाद में हो उस आयु के। अर्थात कंटिंजेंट इंटरेस्ट में संभावनाएं 50-50 हैं कि घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समाश्रित हित तभी होता है जबकि घटना अनिश्चित घटना के घटित होने पर वो उस हित को अंतरण योग्य बनाती है, तभी समाश्रित हित मिल पाता है। आज हमने यहाँ पे समाश्रित हित को समझने की कोशिश की है। पिछले लेक्चर में हमने वेस्टेड इंटरेस्ट को समझा, निहित हित को, और आज कंटिंजेंट इंटरेस्ट को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, निहित हित और समाश्रित हित में अंतर समझेंगे। थैंक यू।